श्रीमान जी, हम पहले से उपसरपंच थे और उस उपसरपंच रहते हुए हमने जनता की खूब सेवा की। पानी की, बिजली की, कोई भी आगे समस्या आई उसका हमने सभी का समाधान किया और अब जनता ने उसी चीज़ का हमारे को आशीर्वाद दिया है कि हम सरपंच बनाए हैं और कि गांव की जनता की सेवा करें। हमारे गांव में सबसे मोटी जो समस्या है पानी की समस्या है, उसका हम बहुत जल्द से जल्द उसका सुधार करवाएंगे और आगे भी काम कंधा से कंधा मिला के सभी का सहयोग करेंगे और पूरी सभी समाज की मदद करेंगे। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस जीत का श्रेय जनता माता का है भाई, जिन्होंने अपन को चुना है। और हमारे जो पापा जी थे वो पहले उपसरपंच रह चुके हैं। बिल्कुल सर, पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करी जाएगी। सबसे मोटी समस्या मैंने जब भी बताई थी पहले भी कि पानी की समस्या है और पानी की समस्या बहुत जल्द दूर की जाएगी, उसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। दो बोरिंग AN साहब से, PSD के AN साहब से बात हो चुकी है मेरी, उन्होंने प्रपोजल बनाया है दो, उनकी जयपुर गई है फाइल और वो जैसे ही वहाँ से फाइल होते तैयार होगी दो बोरिंग हो जाएंगे। एक एक कार्यकर्ता को एक एक लोगों की समस्या को सुनते हुए, समझते हुए, सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए उन सभी समस्या को समाधान किया जाएगा। सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, हमें भारी मतों से विजय बनाया, उन हम पे विश्वास बनाया, उस विश्वास के ऊपर हम खरा उतरेंगे। धन्यवाद। हमारी नहीं, सभी आप सभी जनता सभी ग्रामवासियों की। गांववासी ने मुझको जिताया और मैं बढ़िया बढ़िया काम करूंगी बिल्कुल, और जो भी समस्या होगी मेरे से पूरी मदद करूंगी सभी की। और बारंबार ये धन्यवाद है बस्ती माता को कि मुझको पूरी मदद से, भारी मदद से मुझको विजय बनाया है। सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद जो मुझको भारी मदों से जिताया है। धन्यवाद धन्यवाद।